हेलो फ्रेंड्स, गूगल जोन में आपका स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में, एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट अगर एक्सिस बैंक में आपका है तो आप उसका डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करें, या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास एक्सिस बैंक का है तो उसका पिन कैसे जनरेट करें, एकदम शॉर्टकट तरीका से, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगा इस वीडियो में। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए, उसी वाले में बताना चाहूँगा। मेरा गूगल जोन चैनल है तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए गूगल चैनल को, और बेल आइकॉन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि मैं इस तरह के जब भी वीडियो लाऊंगा जैसे बैंक से रिलेटेड या जॉब से या टेक्निकल से रिलेटेड, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक्सिस बैंक का ऐप है जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके आपका एक्सिस बैंक है और सेविंग अकाउंट खाता है एक्सिस बैंक में, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये में बहुत अच्छी खासियत है, बहुत अच्छा फीचर्स भी है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए। मैं एक्टिवेट का तरीका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे एक्टिवेट किया जाएगा उसका वीडियो का लिंक, और मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो मैं एक्टिवेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल में फिंगरप्रिंट्स भी है। लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट्स और पिन। तो मैं फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करते ही यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ पे बैलेंस वगैरह दिखाएगा और इस तरह इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, मैं नीचे जा रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, FDRD, ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना है, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पे आपको बस यहाँ पे ये ड्रैग करना है, नहीं तो इस पर क्लिक करना है आपको। ओके, जहाँ आपका लिखा हुआ है शॉर्ट नेम BK, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करते ही तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर सर्विसेज एंड सपोर्ट। तो यहाँ सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद बहुत सारे सर्विसेज का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली मैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट किया जाए मोबाइल ऐप के थ्रू, ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड सेट रीसेट पिन, ठीक है। तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन, मेरे पास दो डेबिट कार्ड है जो मुझे अकाउंट खोलने के समय एक बार iKit मिला था वन टाइम फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम मेरे घर पर आया था बाई कुरियर, तो वो बड़गंडी अकाउंट का है तो वो आया था, ठीक है। मेरे पास दो डेबिट कार्ड है तो मैं कोई एक यूज करूँगा, जैसे कि आप लास्ट टाइम जो यूज करते हो वही वैलिड हो जाता है, सेकेंड वाला आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाला ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड पिन यूज करूँ, तो मैं ये फर्स्ट में मिला है मुझे, ये तो बंद ही होने वाला है, तो मैं इसका बना लेता हूँ पिन। ओके ओके, मैं इसका पिन बनाता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो ये जो मेरा डेबिट कार्ड है जिसमें 5209 लास्ट में है, ये मुझे पहले मिला था iKit के थ्रू, उस पर नेम प्रिंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, क्योंकि मैं सेकेंड वाला जो प्रिंटेड है इसका यूज़ करूँगा, उसका खासियत भी बहुत अच्छा है और वो लुकिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं इससे क्लिक करके सेट पिन का नीचे ऑप्शन है, सेट पिन पर जाता हूँ। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेट कर लेता हूँ 1234। ओके, मैं दोनों में रिकन्फर्म 1234, आप कुछ भी पिन सेट कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल बताने के लिए आप करना, बाद में मैं चेंज कर लूँगा। ओके, 1 2 3 पर डालते ही कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे जो आपका MPIN का पासवर्ड है, यानी कि आपका ये जो एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप का जो पासवर्ड आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय या एक्टिवेशन करते समय जो लॉगिन किया था, वो आपको पिन डालना है, MPIN, ठीक है। मैं पिन भी डाल लेता हूँ। ओके, तो मैं ये पिन डाल चुका हूँ। पिन डालते हैं, यहाँ पर देखिए द पिन फॉर योर डेबिट, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, डेबिट कार्ड नंबर इतना इतना और सेट इंश्योर कार्ड इनेबल, यानी कि डेबिट कार्ड पिन जो है बीन सेट सक्सेसफुली, यानी कि डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इस तरह से आप पिन सेट कर सकते हो, जैसे सर्विस में जाना है और डेबिट कार्ड, और यहाँ पे अगर सेकेंड वाला डेबिट कार्ड करना है तो इसी पे जाके सेट पिन पे जाना है, फिर वैसे ही कर देना है जैसे मैं अभी किया था, वो सेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ करना है आपको। यहाँ पर फिर देखिए, अब मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का अगर आप पिन जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाना है। ओके, तो ये क्रेडिट कार्ड ओपन हो चुका है मेरा। क्रेडिट कार्ड ओपन होते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन है। ओके, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पहले लिंक करना होता है, तो आपके पास जो क्रेडिट कार्ड आएगा उसमें एक एक्टिवेशन कोड आएगा, तो ये कोड यहाँ पर डालते ही कुछ फॉलो स्टेप करना होता है, वो लिंक हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा आपको, ऑटो डेबिट मोड का पेमेंट और सेट पिन। तो मुझे तो फिलहाल सेट पिन के बारे में आपको बताना है, तो मैं यहाँ पर सेट पिन पर जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए सेंड OTP, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है जो 288 में लास्ट में है, उस पर OTP, पहले उस नंबर पे जो रजिस्टर नंबर है OTP जाएगा, माने कि इस नंबर पे OTP आएगा मेरा। ओके, तो मैं OTP का वेट कर लेता हूँ, OTP आते ही इसमें फिल करूँगा। OTP मेरा आ चुका है, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते ही यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ओके, तो फिल सही से नहीं हुआ, मैं खुद से कर लेता हूँ नंबर बाई नंबर।
हाँ तो मैं OTP इंटर कर चुका हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ OTP सही है, और OTP डालने के बाद हमें पिन मांगा जा रहा है, पिन मैं कौन सा बनाऊँ। ओके, तो मैं पिन टाइप कर लेता हूँ। मैं पिन टाइप कर चुका हूँ, दोनों में कंफर्म पिन डालना है, 4 डिजिट का होना चाहिए, और दोनों कंफर्म कंफर्म कहते हैं यहाँ पे सेट पे, और सेट कहते हैं फिर वो आपका जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल बैंकिंग है यानी कि एक्सिस बैंक का, उसका आपका पिन डालना होगा लास्ट में कंफर्मेशन के लिए। वो भी डाल देते, देखिए वो पिन डालते हैं, यहाँ पे आ चुका है वो पिन, क्रेडिट कार्ड हैव बीन सक्सेसफुल अपडेट, यानी कि पिन बन चुका है, ये जनरेट आपका मैसेज भी आ चुका है यहाँ पे, कंग्रेचुलेसन योर क्रेडिट कार्ड पिन सक्सेसफुल्ली जनरेटेड, यानी कि मेरा जो मैं पिन मैं अभी एड किया हूँ वो पिन बन चुका है क्रेडिट कार्ड का। ओके, अब बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ऑफ़र में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफ़र आता रहता है लोन का, या कुछ बहुत सारा ऑफ़र आता रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ सर्विस है जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हो। तो मैं यही बताने वाला था आपको इस वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि पिन कैसे जनरेट किया जाता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का एक्सिस बैंक का। और मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं ये बताऊँगा कि आप अगर मोबाइल बैंकिंग जैसे कि एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप यूज किए हो, तो इसको एक्टिवेट तो कर चुके हैं लेकिन उसका यूज करने नहीं आता, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको शायद मालूम नहीं है, तो कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँगा, टोटल फीचर्स के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरा गूगल पे चैनल है, मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, कभी ICICI बैंक, कभी HDFC बैंक, तो फिर कभी SBI, या फिर कभी एक्सिस, और मैं जॉब्स के रिगार्डिंग भी लाता रहता हूँ बैंकिंग जॉब के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर टिक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।